तो गाइज जियो ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया 3 ऐसे प्लान्स जिनको सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप लोग को पहले कंप्लीट नॉलेज ले लेना चाहिए, कंप्लीट आप लोग को समझ लेना चाहिए, आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जान लेना चाहिए, उसी के बाद आप लोग को रिचार्ज करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो पे इन्हीं प्लान्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और आप लोग को एक कंक्लूज़न बताने वाले हैं कि क्या आप लोग को रिचार्ज करवाना चाहिए इन 3 प्लान्स में से किसी एक प्लान पे या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जो 3 प्लान्स हैं उनसे जो सबसे पहला है वो है 51 रुपीज़ का, और इसमें आप लोग को अनलिमिटेड 5G प्लस 3GB डेटा यहाँ पे मिल जाता है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 101 का आप लोग को मिलता है, यहाँ पे आप लोग को अनलिमिटेड 5G प्लस 6GB डेटा यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद जो लास्ट जो प्लान है वो है 151 का, जिसमें आप लोग को अनलिमिटेड 5G प्लस 9GB डेटा आप लोग को देखने को मिल जाता है। अब देखो अगर आप लोग सोचोगे कि इन प्लान्स में रिचार्ज करवा लेंगे उसके बाद अनलिमिटेड 5G चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को एक एग्जिस्टिंग प्लान, एक एक्टिव प्लान ऑलरेडी रहना चाहिए, ऑलरेडी एक आप लोग के सिम पे रिचार्ज रहना चाहिए, तभी उसके बाद अगर आप लोग ये ऐड ऑन करवाते हो तो आप लोग को अनलिमिटेड 5G मिलेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो गाइस आइए अब टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए 1GB पर डे कस्टमर्स जो हैं, जो 1GB पर डे का रिचार्ज करवाते हैं, उन सारे को अगर 5G अनलिमिटेड चलाना है तो उनको 101 का एड ऑन प्लान रिचार्ज यहाँ पे करवाना होगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग घाटा में रहोगे या फिर फ़ायदे में। तो उसके बाद है 1.5GB पर डे वाला जो कस्टमर्स है जिनका मतलब कि जो वैलिडिटी है प्लान का, वैलिडिटी अप टू 1 मंथ या फिर 1 मंथ से नीचे है, और उन लोग को अगर 1.5GB पर डे मिलता है तो उन लोगों को 51 का एड ऑन प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा अगर उन लोग को 5G अनलिमिटेड चलाना है तो। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जिनका 1 मंथ से ज़्यादा या फिर 2 मंथ या फिर 2 मंथ से ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे 101 का एड ऑन डेटा एड ऑन प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर किसी का 2 मंथ से ज़्यादा या फिर 3 मंथ या फिर 3 मंथ से ज़्यादा है तो उन लोगों को 151 का डेटा एड ऑन प्लान रिचार्ज करवाना होगा। तो यहाँ पे देखो जो 1GB मिलते हैं जो प्लान्स में, उन दो प्लान्स हैं 249 और 209 का, और यहाँ पे 209 है उसमें 22 डेज़ वैलिडिटी मिलता है। तो सबसे लोएस्ट वाला ही यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। देखो 209 में यहाँ पे आप लोग को अगर 101 का डेटा एड ऑन प्लान करवाते हो, जैसा कि रूल है 1GB पर डे का कस्टमर अगर है, ऐसा रिचार्ज अगर कोई आप लोग करवाते हो 1GB पर डे वाला, तो यहाँ पे आप लोग को 101 का डेटा एड ऑन प्लान रिचार्ज करवाना होगा। तो 209 में आप लोग को 1GB पर डे 22 डेज़ के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग को 101 का डेटा एड ऑन प्लान करवाना होगा, जो कि कुल मिलाकर हो जाता है 310 का। और अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग को ये कंफर्टेबल लगता है तो आप लोग यहाँ से करवा सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं 249 वाला, अगर यहाँ पे 249 वाला अगर रिचार्ज करवाते हो, उसके बाद अगर आप लोग को अनलिमिटेड 5G चलाना है और आप लोग को यहाँ पे करना होगा 101 का रिचार्ज, तो यहाँ पे दोनों मिला के जो होता है 249 प्लस 101 इज़ इक्वल टू 350। लेकिन यहाँ पे जियो का जो रूल है, यहाँ पे 2GB पर डे अगर आप लोग रिचार्ज करवाते हो तो आपको ऑलरेडी अनलिमिटेड 5G मिल जाता है। तो यहाँ पे और एक प्लान है 349 का, जिसमें आप लोग को 2GB पर डे और 28 डेज़ वैलिडिटी मिल जाता है और अनलिमिटेड 5G इसमें भी आप लोग को मिल जाता है। लेकिन 249 में आप लोग को दोस्तों यहाँ पे 1.5GB पर डे मिलता है और यहाँ पे आप लोग को 1 रुपया एक्स्ट्रा भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप लोग 349 वाला ही रिचार्ज करवाओ अगर आप लोग को अनलिमिटेड 5G चाहिए होगा तो। तो इस हिसाब से जो
टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप लोग किसी भी प्लान्स पे अप्लाई करोगे तो आप लोग को साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि जियो ने कहीं ना कहीं आप सभी को लूटने का कोशिश किया है। तो अगर मेरा ओपिनियन आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को एक ऑलरेडी पहले से अनलिमिटेड 5G वाला रिचार्ज करवा लेना चाहिए। आप लोग ये टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी प्लान पे अप्लाई करके देखो, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ चुका है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।